जब शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि अंधकार युग चल रहा था, जितने भी रोम वासियों द्वारा, यूनानियों द्वारा जितने भी ज्ञान इकट्ठा किए गए थे, जितने भी प्रकार के चीज़ें थीं, जो भी कुछ था, जितना भी भूगोल में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ था, वो सब कुछ समय के साथ भुलाया जा चुका था। लेकिन समय बीतने के पश्चात धीरे धीरे अरब वासियों का आगमन हुआ, अरब वासी विश्व विजय की तरफ निकल पड़े, और इन अरब वासियों के साथ साथ बहुत से जो विद्वान थे, ये विद्वान भी निकल पड़े। अगर हम अरब भौगोलिक विचारधारा की बात करेंगे तो अरब वासियों ने सबसे पहले गाल पे, स्पेन पे अपना अधिकार कर लिया, फ्रांस पे अधिकार कर लिया, और धीरे धीरे अरब आक्रांताओं के अधिकार क्षेत्र में पूरा यूरोप, अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो जिसको हम कह लें, वो पूरा इनके अधिकार में आ गया था। सबसे पहले अगर हम इनमें बात करेंगे तो विद्वान हुए थे अल बल्खी। तो अल बल्खी ने सबसे पहले 921 ईस्वी में इनकी रचना है किताबुल अश्काल। अल बल्खी ने अपनी रचना 1921 ईस्वी में किताबुल अश्काल बनाई। ध्यान दीजिएगा, किताबुल अश्काल जो थी विश्व का प्रथम जलवायु एटलस माना जाता है। जितने भी यात्री थे, जितने भी खोजी यात्री थे और जितने भी व्यापारी थे, उन सभी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अल बल्खी ने किताबुल अश्काल तैयार की। यह विश्व का जलवायु मानचित्र था, एटलस था, जिसमें विश्व के जलवायु मानचित्र के बारे में बताया गया था। इसके बाद अगले विद्वान अल मकदिसी आते हैं। अल मकदिसी ने सबसे पहले भारतीय मानसूनों का विवरण प्रस्तुत किया था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानसून का विवरण 985 ईस्वी में अल मकदिसी ने भारतीय मानसून का विवरण प्रस्तुत किया। और इसके अलावा विश्व को, ध्यान दीजिएगा, विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा। तो जो भी ज्ञान विज्ञान यूनानियों के बाद, फिर रोमवासियों के बाद बढ़ाया गया था, सब कुछ खत्म हो चुका था। उनके खत्म होने के पश्चात ये सारी जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी बातें थी, नया ज्ञान विज्ञान की शुरुआत, नई बातें बताना, नई खोजों का महत्व बढ़ा आगे, और अरब वासियों ने इसको यहाँ से आगे बढ़ाया। जिसमें सबसे पहले हम अल बल्खी का याद रखिएगा, 921 ईस्वी में किताबुल अश्काल, उसके बाद अल मकदिसी का 985 में भारत की मानसून का विवरण प्रस्तुत किया, और विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा। ध्यान दीजिएगा, अल मकदिसी ने ही बताया कि उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक भूमि है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक जल की मात्रा है, महासागर की मात्रा है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। इसमें फिर जो अगले भूगोलवेत्ता आते हैं वो होते हैं इब्न हाकल। तो आइए इब्न हाकल के बारे में देखते हैं। जो अगले विद्वान हैं वो हैं इब्न हाकल। इब्न हाकल की जो मुख्य रचना है वो ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म इब्न हाकल की महत्वपूर्ण रचना है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अर्थ ऑफ, इसके अलावा शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ है ना, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति, तथा इसके अलावा इन्होंने जो है विश्व के देश यानी कि कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की रचना की। तो तीन रचना याद रखिएगा, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म एंड शेप ऑफ अर्थ पृथ्वी की आकृति, और विश्व के देश कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद जो अगले विद्वान आते हैं उनमें अल मसूदी हैं, अल बरूनी हैं, इब्न बतूता हैं, फिर इब्न खालदून हैं। तो सबको बारी बारी से हम लोग समझेंगे। एक निवेदन आपसे ये है कि
भूगोल से संबंधित जितने भी प्रकार की वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, सभी विषयों की हमारे चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है। तो आप वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कृपया करके ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें भी उत्साह मिले, हमारा भी उत्साह बढ़े और हम हर भूगोल की हर एक विषय पर आपके लिए क्लासेस दे सकें, वीडियो शूट कर सकें। और हर एक टॉपिक जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा हौसला भी बढ़ता है और हमें भी अच्छा लगता है कि सपोर्टिंग परिवार भी है हमारे पास जो भूगोल में हमारा सपोर्ट कर रहा है। तथा इसके अलावा जिस किसी को भी आपको भूगोल की गहराई को ध्यान में रखना है, विस्तृत अध्ययन करना है, तो हमने प्रयास किया है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर ही ज्योग्राफी की जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी विषय हैं, उन सबका वीडियो, हर एक टॉपिक का हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो YouTube पर ही किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगता है, हर एक चीज़ डिटेल में सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, हर एक टॉपिक पर समयानुसार वहाँ क्विज कराई जाती है, उसको ज्वाइन करके आप अपने ज्ञान विज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तम होता है। तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो पिछले परीक्षाओं में जो चाहे नेट के हों चाहे पीजीटी के हों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके भी टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर कराए जाते हैं। तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। यही चीज़ दोस्तों, अगर आप जाते हैं कहीं और कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ आपसे चार्ज लिया जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ बाकायदे आंकड़ों के साथ, डाटा के साथ हम आपको पूरा भरपूर देने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद यही है कि शेयर करिए, कहते हैं कि ज्ञान फैलाने से और बढ़ता है, ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने हम सबको यह दुनिया दी है बहुत खूबसूरत, एक दूसरे का सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, परोपकार की भावना रखिए। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इब्न सीना अरब भूगोल के पिता कहे जाते हैं, इब्न सीना अरब भूगोल के पिता कहे जाते हैं, और इन्होंने पर्वत नदियों के निर्माण के बारे में, पठारों के निर्माण के बारे में, पर्वतों के निर्माण के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बताया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इन्हें अरब भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अरब में भूगोल का व्यवस्थित रूप से विकास और व्यवस्थित तरीके से अरब में भूगोल को बताने वाले इब्न सीना ही थे, इसलिए इब्न सीना को अरब भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। जैसे फ्रांस में भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं, विडाल डी लाब्लास माने जाते हैं, उसी तरीके से अरब में भूगोल के जनक माने जाते हैं इब्न सीना। इसके बाद अल मसूदी हैं, तो आइए देखते हैं कि अल मसूदी के जो कार्य थे वह किस प्रकार से थे, क्या क्या बातें थीं, अल मसूदी ने क्या किया, तो बहुत कुछ है जानने को। देखिए, अल मसूदी का जन्म 890 में माना जाता है और 956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इन प्रमुख रचनाओं को आप नोट कर लीजिए, जिसमें कि पहला है समय विवरणिका, एनल्स ऑफ टाइम, उसके बाद मीडोस ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, है ना, महत्वपूर्ण, प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य, बहुमूल्य पत्थरों की खाने और सोने के चारागाह, तथा एक्सोटेशन एंड इंस्पेक्शन, उद्देश्य और निरीक्षण, तीन मुख्य रचनाएं हैं अल मसूदी की, इन रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अल मसूदी ने और भी बहुत सारी बातें बताई। देखिए, अल मसूदी जलवायु का बड़ा अच्छा ज्ञाता था। अल मसूदी कहता था कि पौधे, नोट कर लीजिएगा, अल मसूदी का कहना था कि पौधे और पशु, सबसे पहले अल मसूदी ने ही बताया था कि पौधे और पशु अपने जलवायु से अनुकूलन करते हैं। अल मसूदी पहला नियतिवादी चिंतक माना जाता है, है ना, पहला नियतिवादी चिंतक माना जाता है, जाते हैं अल मसूदी। इन्होंने कैस्पियन सागर का निरीक्षण किया,
और बताया कि यह एक बंद सागर है। तो कैस्पियन सागर का निरीक्षण करके अल मसूदी है बताते हैं कि देखिए कैस्पियन सागर क्या है, एक बंद सागर है। अल मसूदी ने ऐसे ही नहीं बता दिया, अल मसूदी ने बकायदे कैस्पियन सागर में नाव भी चलाई थी, खुद जो है नाव चला करके घूम घूम करके देखा था और यह बताया कि कैस्पियन सागर एक बंद सागर है। अल मसूदी भी घुमंतु प्रवृत्ति के आदमी थे, यात्रा करना, घूमना, भ्रमण करना इनको बहुत पसंद था और मानसून तथा जलवायु के बारे में विशेष रुचि रखते थे। इसके अलावा अल मसूदी का कहना था कि अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण कारक नदियां होती हैं और महासागरों में जो खारा जल आता है, जो जल आता है खारा होता है, वह नदियों के कारण ही होता है। तो अल मसूदी का एक पॉइंट आप ये भी नोट कर लेंगे कि महासागरों में खारे जल का प्रमुख स्रोत नदियां हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, महासागरों में खारे जल का प्रमुख स्रोत नदियां हैं। अल मसूदी अरब सागर को विश्व का सबसे बड़ा सागर बताते थे, ध्यान दीजिएगा, अल मसूदी अरब सागर को विश्व का सबसे बड़ा सागर बताते थे तथा अटलांटिक महासागर को काला हरा सागर बताया था इन्होंने, अटलांटिक महासागर को काला हरा सागर बताया था इन्होंने। और यह कहा था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों को आपको ध्यान देना है, जानना है, ठीक है। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को इन्होंने जुड़ा हुआ बताया। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखना है। अल मसूदी के कुछ कार्य हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एनल्स ऑफ टाइम्स, मिडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, एक्सोटेशन एंड इंस्पेक्शंस, यानी कि उद्देश्य और विवरणिका अल मसूदी की कुछ रचनाएं हैं। इन्होंने बताया था कि पौधे और पशु अपने जलवायु से अनुकूलन करते हैं। अल मसूदी को पहला नियतिवादी चिंतक माना जाता है। कैस्पियन सागर में खुद नाव चला करके यह पता लगाया और बताया कि कैस्पियन सागर एक बंद सागर है। इसके अलावा महासागरों में खारे जल का प्रमुख स्रोत नदियों को बताया तथा यह बताया कि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अल मसूदी ने हवाओं को ऊर्जा का स्रोत बताया था, महत्वपूर्ण चीज़ है। अल मसूदी ने कहा कि हवाएं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद और भी अरब भौगोलिक विचारधारा में कई भूगोलवेत्ता हैं, जिन भूगोलवेत्ताओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे।